सरकार तो जो आ रहा है जो लूटे में पड़ जा रहा है, गरीब का कोई देखने वाला नहीं है। कोई के वोट नहीं देना है, कोई के मोदी लालू कोई के नहीं वोट देना है। पहले तो लोग देखता भी था जी, ऐसे मोदी जी आज ऐसे था और चौपट हो गया गरीब का खाना पीना। अनाज तो वे सरल मिल रहा है, को खाहू वाला नहीं मिल रहा है। लोग सुनते थे कि बीजेपी बड़का का है, लेकिन आज दिखा दिए मोदी जी कि हम बड़कने के हैं, छोटका के खाली नाम है, घोषणा खाली करेंगे तो उनको बाल ना बच्चा नींद पड़े। अच्छा तेजस्वी जी एक समय में बहुत अच्छे थे, और आज भी अगर माना जाए जैसे बिहार में जैसे लालू जी जो कर दिए हैं, हम ताली ठोक के कह सकते कोई बेटा वैसा नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूँ अभय प्रियदर्शी। चुनाव नज़दीक है, समस्या बड़ी सारी है, लेकिन एक ऐसा समाज, एक ऐसा हमारा मजदूर भाई जो है वो लगातार शोषित होते रहते हैं। कोरोना काल में भी काफ़ी परेशानियों का सामना सबको झेलना पड़ा। आपको बता दें कि जब लॉकडाउन हुआ था तो यही मजदूर भाई हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही थी, ना ही काम मिल पा रहा था। हर राजनीतिक दल पार्टियां जो मजदूरों की बात करती है, लेकिन समय क्या है, दशा क्या है, यह आपको हम बताएंगे। ये बताइए कि कोरोना काल में आप लोग के खाना वाना मिल जाता था? नहीं मिलता था। राशन तो फ्री की है गवर्नमेंट? नहीं मिलता है, राशन भी नहीं मिलता है। कोरोना के समय से एक बार भी राशन मिला था? एक को बार नहीं मिला। पैसा 1000 रुपया जो सरकार दे रही थी औरत के साथ 500 खाली रुपया मिला, बस 500 इतना बस। हाँ अच्छा, काम नहीं मिल रहा होगा, बच्चे होंगे घर में, पत्नी होगी, कैसे चलता है? कैसा हो, कर्जा महाजन लेके करते हैं आपका। अच्छा, हम कब से यहाँ पे खड़ा है आप? हम तो यहाँ 8 बजे से हैं। काम के तलाश में? हाँ। अब तक नहीं मिला? नहीं नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा फिर? घर जाएंगे। अच्छा, पैदल उतना दूर से आए हैं कि आप फिर पैदल से जाएंगे? पैदल से आते हैं। उतना दूर से 2 कोस पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव है, सरकार तो आपके लिए कुछ कर नहीं रही है, रोजगार की बात कर रही थी, रोजगार आप लोग के मिला नहीं, तो आने वाला समय में सरकार बदलिएगा? बदलेंगे नहीं, बदलबे करेगा, ऐसे रहेगा तो का होगा कि सरकार के रह के का होगा कि 6 महीना हम लोग को बैठला हो गया। 6 महीना से कोई कभी मिल रहा है, 4 दिन फिर रहा है। अच्छा, तो जैसे कि लाइन में दो हैं, सबसे पहले तो नीतीश कुमार हैं, बीजेपी है जो अलायंस में है, उधर महागठबंधन है, सरकार बदलिएगा तो महागठबंधन को वोट दीजिएगा इस बार? हाँ, उसी को देंगे। उम्मीद लगता है कि अगर सरकार बदले तो हम लोग को, आप लोग को कुछ रियायत मिल जाएगी? जरूर मिलेगा, बहुत मिलेगा रियायत, बहुत मिलेगा। अच्छा, आपका क्या नाम? इंद्रजीत नाम है। कहाँ से आए हैं? नंगटा दियर से आए हैं। क्या काम वाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कैसे घर चल रहा है? किसी तरह लेन देन उधार पैंचा लेकर, कर्जा महाजन लेकर चला रहे हैं हम लोग, किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं, 2 टाइम भूखले रह रहे हैं। हमारा परिस्थिति, बच्चा भी सब जैसे के तैसे, स्कूल बंद है, कुछ नहीं कहा जा रहा है इस सरकार में। क्या कीजिएगा, सरकार बदलेगा? हाँ, सरकार बदलेंगे। बड़ा समस्या है, बहुत समस्या है, और सब लोग जो है मजदूर के, किसान के, गरीब का राजनीति सब करता है, लेकिन भला कोई नहीं करता है? नहीं, कोई नहीं करता है। सरकार अपने आप को मान के आप स्वार्थी बन जाता है, किसी कभी बालू बंदी, कभी नोट बंदी, तो कभी लॉकडाउन। 6 महीना से लॉकडाउन लगा, हम लोग के समझिए कि महीना में 5 दिन कमाते हैं, 25 दिन घर जाते हैं लौट कर। अच्छा, 5 दिन कमाते हैं तो एक दिन में कितना मजदूरी आपको? 400 रुपया मिलता है। 400 रुपया, उस हिसाब से महीना में 5 दिन तो मान के चलिए 2000 रुपया, मतलब 2000 रुपया कमाते हैं, किसी तरह चला रहे हैं, किसी जैसे पानी पी कर जिंदगी काट रहे हैं। अन्न तो अलावा है, छोटा बड़ा बच्चा होगा घर, छोटा बड़ा बच्चा है तो कह तो दिए कि वहाँ पर मैंने किसी तरह कर्जा महाजन लेकर जैसे तैसे खेत बधार धर कर किसी तरह समय पार कर रहे हैं। तो देखा आपने, महज 2000 रुपये महीना का अभी कमा पा रहे हैं, 2000 में क्या होता है, एक परिवार को चलाना कितनी मुश्किल होती होगी, आप भी समझ सकते हैं। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र राय। वीरेंद्र राय। क्या नाम है? वीरेंद्र राय। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं महिनवा से। अच्छा, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद अब तक आप लोग के
रियायत कुछ मिला, काम वाम मिल रहा है? काम तो नहीं मिल रहा है, काम वाम नहीं मिला। परिवार का गुजारा कैसे होता है? परिवार का गुजारा हो रहा है कि अब महीना में 10 दिन 8 दिन 15 दिन काम आदमी कर रहा है, इस धर्म कर्म चल रहा है, क्या कह जाएगा, कोई भूखा रहेगा थोड़े। अच्छा, चुनाव आ गया है अभी, अगर आप चाहें तो सरकार बदल सकते हैं, क्या इस बार किसको वोट दीजिएगा बताइए? नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, अब किसको वोट देगा? कोई जैसे सही सरकार चाहिए उसको वोट देगा, उसको चेंज करना है नीतीश कुमार को। हाँ, चेंज करना है। आप लोग का बड़ा स्थिति खराब हो गया, तब स्थिति खराब तो ये है। अच्छा, कितना दिन काम मिलता है? महीना में मुश्किल से काम मिल रहा है 8 दिन 10 दिन 15 दिन, कोई आदमी 20 दिन महीना में घूम के चल जा रहा है। कोई नेता होता, चुनाव का समय है, मिलने उलने नहीं आता है, रोजगार के साथ बात नहीं आता है, कोई नहीं आता है, सब अपना देखता है, मुखिया हो के चाहे कोई भी हो, कोई जी सब पेट भरता है, अपना सब पेट भर रहा है। अब कोई भी इतना आदमी है, बताइए कितना मुखिया को फंड पैसा मिला है, कौन किसी गरीब को दिया है? सब विधायक बोलता है कि हम लोग मजदूर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या किया इतना भी यार, पूछिए कोई मुखिया कितना फंड मिला है, क्या दिया है लॉकडाउन में? कोरोना के समय में अनाज पहुंचाने गए? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों छठ तक अनाज आप लोग को फ्री मिल रहा होगा? हाँ, फ्री में, झूठ क्या बोले, मिल रहा फ्री। पैसा आया था अकाउंट में? पैसा का ना, एको पैसा नहीं, हर महीने नहीं मिलता है ना। क्या मतलब, जाते हैं डीलर के पास जाते हैं, क्या बोलता है? ऐसे जब वहाँ से मिलेगा तब ना हम देंगे। महीने महीने राशन आता होगा तो डीलर क्या करता है, आप लोग को नहीं महीने नहीं देता है ना? काम वगैरह मिल रहा है आपको? काम नहीं मिल रहा है ना, अब सुबह 6 बजे आए हैं, सुबह 6 बजे से यहाँ खड़े हैं। अच्छा, इतना दूर से आते हैं तो घर से खाना वगैरह लेके आते हैं कि नहीं? कुछ नहीं, दिन भर काम नहीं मिलेगा, भूखे पेट रात में लौटिएगा तो करेगा आदमी, तो क्या करेंगे, भूखे पेटे रहेंगे। यहाँ मैं तो रूम किराया पर लेके रह रहा हूँ, रूम किराया के लिए भी सोचना पड़ता है, रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर से आए। अच्छा, ये बात बताइए कि हमेशा बिहार में ही काम करते थे कि या बाहर भी? बिहार में भी करते थे, बाहर में अभी कम काम सब। पहले कहाँ करते थे काम, बिहार से बाहर? बिहार से बाहर थे, गुजरात थे। गुजरात, हाँ, तो होली के टाइम में आए तो उस टाइम से जो है कैसे जब बताइए आइए आए थे कैसे दिक्कत था? उस टाइम दिक्कत नहीं था ना, होली के टाइम में। उसके बाद फिर जाना चाहते हैं वहाँ? फिर तो जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो है अभी गाड़ी नहीं चालू है ना, मजबूरी में यहाँ रुके हैं। कोरोना काल से पहले कहाँ काम करते थे, बिहार में कि बिहार से बाहर? हम लोग यहीं करते हैं। हाँ, उस समय काम मिल रहा था कोरोना के पहले से? हाँ, पहले मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा। कैसे चल रहा है घर परिवार? ऐसा ही चल रहा है, उलट पुलट कर्जा उर्जा ले के खा रहे हैं। वोट मांगे आएगा आपके यहाँ विधायक तो क्या कीजिएगा, बात बताइएगा? बताएंगे नहीं, पीछे घुरा दीजिएगा? नहीं, बताएंगे, पहले बात ही सब बताएंगे। बताइएगा तब इस बार वोट दीजिएगा उन्हीं, वही विधायक किसको, किसका सरकार चाहते हैं? सरकार तो लालूए का ठीक है, लालूए का ठीक था ना? हाँ, पहले इतना परेशानी होता नहीं होता था, यहाँ इतना नहीं चल रहा था। महंगाई तो आकाश धो लिया। सरकार से संतुष्ट हैं? इस नज़दीक है, संतुष्ट ही है। इस बार दोबारा दीजिएगा वोट? देंगे क्यों नहीं, की परेशानी है, परेशानी तो होवे करेगा, अब सरकार को ये सब करना जरूरी ना है, ये सब नहीं करेगा तो कैसे होगा, ये भी तो बात है कि कर रहे हैं लोग, हम ये लोग लेना हो रहा है सब। मजदूर गरीब युवा तो बड़ा परेशान है। हाँ, पढ़े लिखे हैं आप? हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, चाहे प्राइवेट ही नौकरी नहीं। हाँ, आप लोग का काम ठीक ठाक चल रहा है? अभी उतना कोई खास नहीं चल रहा है, घर परिवार का गुजारा हो जाता है? अभी घर परिवार का कोई गुजारा नहीं हो रहा है, अभी बाजार पहले इससे पहले कुछ ठीक था, काम उम धंधा सही सब मतलब ऐसा चल रहा है दिक्कत की, मतलब वो भी नहीं है। सरकार किसकी सरकार आप चाहते हैं, चुनाव है ना? देखिए भैया, हम क्या बोले सरकार के बारे में, सरकार तो जो आ रहा है जो लूटे में पड़ जा रहा है, गरीब का कोई देखने वाला नहीं है। पहले तो लोग देखता भी था, जैसे मोदी जी आए जैसे था, और चौपट हो गया गरीब का खाना पीना,
बीमारी के नाम पे, कभी GST के नाम पे, कभी नोटबंदी के नाम पे, तो सब गरीबे बीमार हो रहा। लोग सुनते थे कि BJP बड़का का है, लेकिन आज दिखा दिए मोदी जी कि हम बड़कने के हैं। छोटका के खाली नाम है, घोषणा खाली करेंगे। एगो बैठ गए कुर्सी पे तो उनको बाल ना बच्चा नींद पड़े। अच्छा, जिसको बाल बच्चा रहता है ना उसको नींद पड़ता भी नहीं है कि कैसे बाल बच्चा खाएगा तो कहेंगे। और मोदी जी को कुछ नहीं है, वो कहते पूरा दुनिया, वो दुनिया को बर्बाद करे पे गरीब को, खाली 1% के पीछे पड़े हुए हैं। मोदी जी से कह दीजिएगा, नीतीश जी से अपने चैनल के माध्यम से, कि गरीब जो मजदूर मरा है 6 महीना में, बाबा दादा के राज में ऐसा कभी ना हुआ था। जिस भगवान को लोग पूजा करते हैं उस मंदिर को बंद करवा दिए, भगवान भी हिसाब लेगा उनसे। जब मरेंगे ना वो लोग, हिसाब लेने का समय तो आपका भी आ गया ना। चुनाव ये चुनाव अब नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पब्लिक को दिखाया जाता है कि हम चुनाव हो रहा है। ये जिसकी पैसा उसकी वोट हो रही है। हम वोट देने जाते हैं, मेरा वोट पड़ता है, हमको लिखित दे मोदी जी कि हम वोट डाले हैं, मेरा वोट लिखित पड़ा। ये तो खाली पब्लिक को बर्बाद किया जा रहा है, गरीब को। तेजस्वी जी कहते हैं, तेजस्वी जी एक समय में बहुत अच्छे थे, और आज भी अगर माना जाए, जैसे बिहार में जैसे लालू जी जो कर दिए हैं, हम ताली ठोक कर से कोई बेटा ऐसा नहीं कर सकता गरीब के लिए, जो कोई भी जाति का हो। ये नहीं कि हम कहते हैं कि कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो, जिसको जो लालू जी आज कर दिए, जिसको इज्जत मिल गया, वो अब आने वाला भविष्य में नहीं है। चाहे तेजस्वी जी भी आएंगे तो नहीं दिवाएंगे, चाहे मोदी जी का भी कोई आदमी आ जाएगा तो नहीं दिवाएगा। अब जनता अपने आप से ही कुछ कर सकता है, क्योंकि जो नारा लगा दिया अपने पैर पे खड़ा होने वाला, तो मोदी जी को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उनको, कि अपने आप पे हिंदुस्तान का इतना गो हो चाहे इतना गो है, अपने आप पैर पे हमेशा खड़ा था, रहेगा और आगे भी है। सरकार का कोई सुविधा गरीब को नहीं मिल रहा, ये खाली नाम का, चाहे नीतीश जी हो चाहे RJD हो चाहे फलना हो, अब आएंगे 4 दिन में बोल देंगे कोई नया चेहरा आए। नया चेहरा वही हो जो पहले ही लिखित हमको दे, कि अगर सही में अगर माई बाप का बेटा अगर हुआ है, एक कोई भी नेता हो, और वो अपने बाप का एक बाप का बेटा अगर हुआ है, तो क्षेत्र में 25 दिन घूम कर देखा है। ये नहीं कि जीत गए आज भैया हम गोर पकड़ रहे हाथ पकड़ रहे जीत गए तो हम अब नहीं घूमने जाएंगे, तो उनका बता दीजिएगा कि सब दिन ठग है। अगर माई का दूध पीले है कोई भी नेता हो, वो महीना में जीतने के बाद 25 दिन घूमेगा, तभी क्षेत्र को विकास होगा, चाहे गरीब का विकास होगा, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो। आजकल आप देख रहे हैं, आप लोग अभी चैनल में बहुत सारे मीडिया जो बड़ी नामी नामी लोग हैं, वो लोग देश को बर्बाद किए हैं। आज के डेट में मानेंगे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा मीडिया चैनल जो बन गया है, बड़ा चैनल, हाँ, वो सब देश को आज बर्बाद किए हैं। उन लोग का हाथ है सबसे बड़ा। कभी मोदी को अच्छा दिखा देंगे, कभी नीतीश को अच्छा दिखा देंगे, कभी RJD को अच्छा दिखाएंगे। वो सब मिल के एक अथी बना लिया सिस्टम कि भैया 5 साल तुम भोगना, 5 साल तुम नहीं भी भोगोगे पैसा हम देंगे। गरीब को खाली बढ़कर आना है, लेकिन आप गरीब जाग गया है उनको बता दीजिएगा अपने चैनल। तो देखा किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है CM नीतीश कुमार के खिलाफ और BJP के खिलाफ, और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका बाबा? हमको मेष पास नाम है, हमको कुछ बोलना नहीं है, राजनीति के बारे में हम रहबे नहीं करते हैं। अच्छा, राजनीति के बारे में नहीं पूछते हैं, क्या करते हैं? हम ठेला चलाते हैं। अच्छा, अच्छा काम मिल रहा है? काम कहाँ मिल रहा है, जैसे से लॉकडाउन हुआ तैया से काम सब थप्पड़ है। अच्छा, घर परिवार कैसे चलता है? घर परिवार चलता है, जो कमाते हैं अपना खिलाते हैं। अच्छा, अनाज वगैरह मिल रहा है आप लोग? नहीं मिलता है, हमको राशन कार्ड भी है लेकिन नहीं दे रहा है राशन। कितना दिन से नहीं दे रहा है? हो गया साल, 2 साल से नहीं दे रहा है। 2 साल से? हाँ, नहीं दे रहा है। क्या करता जाते हैं? राशन कार्ड भी कहता है कि कहता है बिहान मिलेगा, परसों में मिलवे नहीं करता है, यही राजीव नगर के छोड़ दिए। हाँ, छोड़ दिए, अभी BPL है ये है। हाँ। कोई भी आएंगे तो हम दिखाएंगे, तब तो नहीं देता है, कंट्रोल में भी हम बता सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, 1000 रुपये केंद्र सरकार जो कोरोना समय दे रही थी और राज्य सरकार भी दे रही, तो मिला? हमको 500-500 रुपया हम लोग के मिला था, वैसे 500-500 रुपया मिला। देखिए, नाराज ये भी हैं लेकिन राजनीति पे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हम पुलिस हैं। कहाँ से हैं आप? हाँ, कहाँ से हैं? पानापुर। अच्छा, क्या करते हैं आप? ये सब काम करते हैं, और क्या करते हैं? मिल रहा है? नहीं। कब से यहाँ पे बैठे हुए? यहाँ से तो 7 बजे से बैठे हुए हैं। डेली आते हैं? तो डेली आते हैं, काम मिलवा ही नहीं करता है, भूखले प्यासे आते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं।
परिवार फिर जाते होंगे खाली हाथ, तो परिवार क्या करता है? अब परिवार क्या कहेगा, अब परिवार वो देखिए कि खाली हाथ जाता है तो सब अब देखिए अब अथी हो जाता है, और क्या हो जाता है। बोला गया था कि कोरोना काल में सब मजदूर का ख्याल रखा जाएगा, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, अनाज तो वो सरल मिल रहा है, को खाहू वाला नहीं मिल रहा है। तब अरवा चावल वो सब महकल मिल रहा है कि वो खरही ना जा रहा है, वो बिगा ही रहा है। हम लोग सवाल नहीं करते हैं कि ऐसा अनाज कहाँ से? अब वैसे सब वो सवाल कीजिएगा कि वो नहीं मिलेगा। सवाल करेंगे ना तो हम उसको से सवाल करेंगे, वहाँ घूस लेके अपन काम तो कर हो ही रहा है, तू अपन जा वो नहीं मिलेगा, सरल को नहीं मिलेगा। छठ तक फ्री में अनाज सबको मिलना था, मिल रहा? हाँ फ्री में, फ्री में मिल रहा है, बाकी सब सरल मिल रहा है, खाने वाला नहीं मिल रहा है। बेकार है जो आप लोग का पकड़ा। हाँ फ्री में अनाज मिलता है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण। काम करते हैं आप? हाँ हाँ काम के तलाश में आए? हाँ काम के तलाश में आए। काम मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है, यहीं तो बुआ रहे हैं, रोज आते हैं, घर जाते हैं, आते हैं डेली घर का। अब कहाँ काम नहीं मिल रहा है। कैसे गुजारा? परिवार तो है वह खेत बाजार है, थोड़ा बहुत गाय भैंस रखे हैं, वह हटा हटा के गुजारा चल रहा है। ये बताइए चुनाव है, चुनाव अभी आ रहा है, जवाब दीजिएगा, आप लोग को कष्ट इतना हो रहा है, सरकार को जवाब दीजिएगा। हाँ हाँ कहा मिलेगा, मिलेगा जवाब। भूखले रहेंगे या कहेंगे नहीं? नहीं देना है वोट कोई के, नहीं कोई के वोट नहीं देना है, कोई के मोदी लालू कोई के नहीं वोट देना है। ये हमनी के आए फिर के जाए बिहार तरीका है, ये नहीं है तो कहला वोट दे के का फायदा? रोजगार तो सबके देने का वादा कर रही। कहाँ रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिलेगा तब तो बहन सरकार जीत जाता है या अपने में अपने अथी करता है। आए कोई नहीं अथी होगा, कोई नहीं होगा। तो लोगों का गुस्सा है वो फूट रहा है, देख सकते हैं कि किस तरह से जो सरकार की अवहेलना लोग कर रहे हैं, और लोगों का गुस्सा साफ तौर पे यहाँ देखा जा सकता है, किस तरह से लोग गुस्साए हैं इस सरकार पे, निकम्मी सरकार पे। मज़दूरों की बात कर रही थी सरकार, मज़दूरों की बात करती है, लेकिन मजदूर हित में एक भी काम बिहार में अब तक नहीं हो पाया। जो इन मज़दूर हैं इनको ना ही राशन मिल पा रहा है सही से, और ना ही काम। लगातार खबरों के लिए बने रहे और देखते रहिए हमारे साथ नेशन न्यूज़। नमस्कार।